नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फोर्थ क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट बताएंगे जो पिछली वीडियो में नहीं बताए गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Little do you know, I'm still haunted by the memories. हमें इसमें चेक करना है कि ये एक एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करना पड़ता है। सेकेंड टर्म कितना है? -4 -0। थर्ड टर्म -8 माइनस 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 प्लस का 4। 8 में से 4 गया -4 -4। इसका मतलब एक एपी है। तो डी की वैल्यू तो मिल गई आपको। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। आपको बचे हुए टर्म निकालने हैं। ठीक है, हमें पार्ट निकालना है फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, क्योंकि चार तक तो पता ही है। तो हम आगे के निकालते हैं। आगे के निकालने के लिए पाँचवा है तो एक माइनस करके, छठा है तो एक माइनस करके, सातवां है तो एक माइनस करके। एक ही वैल्यू तो 0 है, तो हम रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 × -4, यहाँ भी 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 × -4, यहाँ भी ए 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 × -4, यहाँ 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हमारे पास इसका एट्थ पार्ट दिया है, इसमें भी हमें अवेबिलिटी चेक करनी करते हैं। सेकेंड टर्म -1/2, माइनस लगा के माइनस माइनस +1/2। ठीक है, थर्ड टर्म कितना है इसका? -1/2, माइनस लगा के सेकेंड टर्म -1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो डी की वैल्यू 0 आ गई, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब ये हमारा एक एपी है। अब इसमें फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन्थ टर्म निकालना है। तो देखते ही पता चला जब सारे टर्म -1/2 हैं तो फिफ्थ भी 1/2 होगा, सिक्स्थ भी 1/2 होगा, सेवन्थ भी 1/2 होगा। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है और उसमें दिया गया, इसमें भी अवेबिलिटी चेक करनी है करते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास है थर्ड, -1, यहाँ 9 -3, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, क्या सेम है? नहीं ना, तो नॉट एपी, ये एक एपी नहीं है। इसमें भी हमें अवेबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है? 2a, फर्स्ट टर्म कितना है? a, थर्ड टर्म कितना है? 3a -2a। देखिए इधर भी a बचेगा, इधर भी a बचेगा, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? a। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। देखिए हम लोग फार्मूले में रख के तो निकालेंगे ही, लेकिन अगर खुद ध्यान दे दें कि गिनती लिखी है 1 2 3 4, तो आगे क्या होगी? 5 6 और 7, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया गया है, इसमें भी हमें चेक करना है। तो सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर है ए क्यूब माइनस ए। यहाँ से आप ए कॉमन ले सकते हैं तो ए -1 बचा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ए -1, क्या दोनों सेम है? नहीं ना, तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। इसमें भी अवेबिलिटी चेक करते हैं। तो सेकेंड टर्म दिया है √8, √2, √18, √8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 2 जा 8, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 2 जा, और इसको भी 4 2 जा 8। देखिए 4 बाहर आएगा तो 2 √2 बचेगा अंदर, यहाँ √2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 2 जा 4, तो 2 बाहर आ गया, ये वाला अंदर बचा रहा। यहाँ 9 का कितना होता है? 3 3 जा 9, अंदर बचा रहा। यहाँ पे भी 2 √2, देखिए 3 में से 2 गया कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ पर √2। यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचा, √2, यानी कि d की वैल्यू आपके पास आपको मिल गई और a की वैल्यू तो दी ही गई है √2। अब हमें जो टर्म निकालने हैं, वैल्यू रखते हैं हम लोग, रखिए a की वैल्यू √2 प्लस 4 d की वैल्यू √2, तो 4 और 1 5 √2, ऐसे a की वैल्यू √2 5 √2, तो 5 और 1 6 √2 हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू √2 6, तो 6, d की वैल्यू √2, तो 6 और 1 मिलकर 7 √2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है, इसको भी चेक करते हैं। तो √6 है, ये √3 है, थर्ड टर्म √9 है और ये √6 है। इसका कुछ हो ही नहीं सकता, कोई फैक्टर ही नहीं होते हैं। और √9 के क्या होते हैं? √9 3 3 9 होता है, तो 3 माइनस ये √6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया 14 नंबर, इसमें भी चेक करते हैं।
थ्री स्क्वायर, वन का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, नाइन में से बन गया, थ्री थ्री जा नाइन में से बन गया एट, फाइव फाइव जा 25 में से नाइन गया कितना बचा 16, क्या दोनों सेम हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं बनाते हैं। 15 नंबर हमारे पास दिया है, इसमें भी चेक करना है, करिए। फाइव स्क्वायर, वन का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर, फाइव फाइव जा 25 माइनस वन, ये 49 माइनस 25, यहाँ भी 24 बचा, यहाँ पे भी 24 बचा, इसका मतलब डी हमारा सेम आ गया, इसका मतलब ये एक एपी बनाते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है, वन का स्क्वायर यानी वन। अब हमें टर्म निकालने हैं फिफ्थ, सिक्स और सेवन, वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, वन, फोर इंटू डी की वैल्यू 24, वन, फाइव इंटू 24, वन, सिक्स इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब हम लोग इनको ऐड करके लिख लेंगे, 97, ये 121, ये 145, ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।